7 साल पीछे गया। मेरे पापा ने 5 साल में जो काम करे थे नहीं, वो इतना विकास कर दिया था गांव का जी। हर गांव पे एक सरकारी हॉस्पिटल होना चाहिए, गांव में सरकारी कॉलेज भी होना चाहिए भाई। हमारा इतना बड़ा गांव ने जान में इतनी तकलीफ हुआ करती, इतनी गंदगी है बड़ा, इतनी गंदगी हुआ करती जो मानो नाक मूंद के जाना पड़े। चाहूँ की गाँव में एक नया रिकॉर्ड बने और आस पास के गाँव में जब बात आवे की कौन सा गाँव में छोरी सरपंच है तुम्हारी बेबी रेनु का नाम। जो गांव की काकी ताई जो मतलब सारी उरारी इनते भी बातचीत करांगे कि वह जो इकड़ा ये अपने रेनु देवी बे बैठाई है इसके बारे में ये के कुछ कहेंगे। राम राम दाई। राम राम। के नाम तेरा? मेरा नाम ऋषालो। इकड़ा रेनु चुनाव लड़न लग रही है, क्यों करके कहना चाहोगी? वोट बाट कहना चाहवांगे, बेटी मारी पोती मारी है और आमिनु का सा बहुत खुशी होगी। अगवामी भी ऐसा चावा से मारी पोती बन जे बने आप अच्छा काम कुमिया कर देगी कि नहीं? काम करेगी, इसके पिता ने करे या भी करेगी। देख दे या सरपंच बन जेर सरपंच बने आप अच्छा ताम कर दे उसका ब्याह गाम राम इसकी ससुराल जड़ा ससुराल है ओड़ा कागज ठाई अंडे। नहीं नहीं ये नहीं होगा, ऐसा पापा करेगा। अच्छा हाँ। या पूरा 5 साल उड़ा रह के विकास करेगी? हाँ करेगी। के नाम ताई? रिजिका। क्या कहना चाहोगी कल रेनु चुनाव लड़ा है इसको लेकर? मेरी पोती जो पड़े जमा राजी खुश धाम जमा और खूब काम करेगी। इसका बाप ना करा तो मेरी पोती भी करे। इसके पापा ने काम करे हैं पहला खूब घड़े करे थे उन्हों कदे उरा चार लाडू खा के कदे मुंह पे कहंदी हो तो जमा खुश मैं उसकी ताई। अच्छा जमा मतलब सच्चाई है इस बात की? इन तक बात कराएंगे भाई, ये जो अपने रेनु रानी है उनकी बड़ी सिस्टर है, इन तक बातचीत कराएं। क्या नाम है जी आपको? सुमन। सुमन के कहना चाहोगी? आपकी छोटी सिस्टर है चुनाव लड़न लग रही है तो के कुछ कहोगे आप? भाई पहली बात तो ये हमारे गांव में 7 साल हो गए कोई सरपंच को नहीं। जो सरपंच उठा था वो भी एक क्वालिफिकेशन हो भी सरपंच खातर भी इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए। उनकी नॉमिनेशन तो भर दिया था लेकिन वो क्वालिफिकेशन भी डुप्लीकेट लगा रखी थी तो उस चक्कर में तो 7 साल हो गए। हमारा गाँव 7 साल पीछे गया। मेरे पापा ने 5 साल में जो काम करे थे नहीं, वो इतना विकास कर दिया था गांव का जी। हर गांव का बराबर आ गया था, जमा तो ऊपर भी हो गया था सफाई के मामले में। तो जमा गाड़ा मैंने गाड़ी ट्रेन लगा रखी थी, ट्रैक्टर ट्रेलर भी कर्मचारी लगा रखे थे। हर गाल की सफाई होया करती जमा रोज, तीसरा चौथा दिन गाल की सफाई होया करती भाई। अरे इस गाल में देख ले भाई, मारे सारे गाल में इतना कूड़ा कचरा हो रहा है जमा। अब जो ये बीमारी फैल रही है डेंगू वगैरह हो रहे हैं, ये इस किस तरह फैल रहा है भाई? सफाई ना होने की वजह से फैल रहा है। तो मेन मेरे पापा ने बहुत खास काम करा था ये सफाई का। ये 7 साल जो सरपंच ना होने की वजह से हमारा गांव भाई 7 साल पाछे बिक गया है। ये माम ने मेरी बेबे ने मेरे पापा ने सब ने मिल के यो गांव 7 साल तक आगे लेके आना है। और भी हर क्षेत्र में एजुकेशन के मामले में स्वास्थ्य के मामले में भाई मेरे पापा ने चाहा था कि भाई एक सरकारी हॉस्पिटल होना चाहिए क्योंकि जो लेडीज है जैसे डिलीवरी हो भाई रात का टाइम है भाई कड़े जाओगी लुगाई अस्पताल में लेके जाओ भाई गाड़ी ना भी होगी से पे एम्बुलेंस भी टाइम पर ना मिले। तो मेरे पापा ने चाहा था भाई एक सरकारी हॉस्पिटल मिले लेकिन वो नुए भाई गाँव में राजनीति की खेल हो है तो ना बन नहीं दिया। लेकिन अब की बार हर हाल में वो काम किया जाएगा भाई एक सरकारी हॉस्पिटल होना चाहिए गाँव में, सरकारी कॉलेज भी होना चाहिए भाई। हमारा इतना बड़ा गांव है भाई, 10,000 वोट है हमारे गांव में तो एक सरकारी कॉलेज भी होना चाहिए ताकि लड़कियां ने बाहर नहीं जाना पड़े भाई। और एक होनी चाहिए मेन लाइब्रेरी होनी चाहिए भाई। जैसे छोरे तो नू अभी बेचते हैं बरवाड़े बिकते हैं बरवाड़ा लाइब्रेरी है लेकिन छोरिया ने माँ बाप को निकालते भाई, इन सोचा है भी काम कर लेगी नू कर लेगी। अरे जो कर गाँव में लाइब्रेरी होगी अपना आस पास मोहल्ला में है तो 2 घंटे भी मिलेगी नहीं, वहाँ बे पढ़ के आओगी बहू भी होगी वह भाभी पढ़ के आओगी ठीक है। तो लाइब्रेरी उनका भी बहुत फायदा है भाई तो एक लाइब्रेरी का जरूर किराया जाओगा भाई। सरपंच जी मैं उठन से पहला तो हमने दोनों ने सलाह करी थी भाई इतनी समस्या तो गुणू आई है इतनी मैगना हूँ इकट्ठी सरपंच जी करेंगे। बात नहीं है तो भाई माम ने बेरा है नहीं, मैं जिक्र मैं अपना गाँव छोड़ के दिल्ली पढ़ने जा रही हूँ तो मैं देखूँ भाई के गाँव में के मैंने सामना करे हर मैं दिल्ली इतनी दूर बैठी हूँ ये चीज़ भाई आस पास हो तो भी अपने कितनी सुख सुविधा हो। और मेरे पापा ने भाई गांव के इसी से काम करे हैं जो आज तक कोई कौन करवा सकता। हमारे गांव में एक गोगरा है भाई, ओड़ा है नहीं स्कूल के रास्ते लग है तो बड़का ने जान में इतनी तकलीफ हुआ करती, इतनी गंदगी है ओड़ा, इतनी गंदगी हुआ करती जो मानो नाक मूंद के जाना पड़ा करता। लेकिन ई उसने जाकर देख लोगे भाई जमा चमकने लायक रहे हो। सुमन देखिए बड़ी बड़ी पार्टी से कांग्रेस की बात कर लें बीजेपी कर लें मतलब लड़ाई रहो टिकट की तारा भी करा कोई न्यू बात इसी भाई आप बड़ी थी आपके पापा आपने भी चुनाव में खड़े कर इसी मैं हूँ इसी मेरी बेबे है ऐसी कोई बात नहीं है दोनों माँ जाई तो इसमें कोई फर्क नहीं है भाई।
बहन बे 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 में के फर्क होया करे सा कोई एक सरपंच या बना एक तो बना ना सी कोई बात नहीं है अपना कोई बात नहीं एडिशनल सरपंच तो नहीं भाई मतलब काम है संभाल गल संभाल ना ना भाई ऐसा कुछ नहीं है अपना मेरे पापा ने भी खूब काम करे है या भी खूब काम करेगी मैं गल्ला ही हूं मैं कौन सी न्यारी हूं भाई अच्छा मिलजुल के काम करोगे तो देखो भाई बड़ी अच्छी बात है मतलब सोच भी बहुत अच्छी है भाई ईसाई तो चुनाव इसने लड़ा ईसाई इसने लड़ा मां जाई है एक है दोनों बेबे रिमन अपने साथ है रिमन से बात करेंगे रिमन शायद एक जान पहचान की शायद किसी की मोहताज नहीं होगी क्योंकि किसान आंदोलन में लगातार इन्होंने भाग लिया रिमन आप तय मैं सिर्फ एक ही वो करना चाहूँगा कि ना तो मैं समस्या की बात को लेकर चलूँगा गांव की ना मैं सरपंच की बात को लेकर चलूँगा सिर्फ मैं आप पे एक ही वो चाहूँगा कि जो बेटियाँ बेटियों के बारे में आप भी लिखा करो हो भाई ये लिखित में है कि या फिर आपकी सोच के है भाई एक लड़की चुनाव लड़ रही उसको लेकर देखिए एक लड़की चुनाव लड़न लाग रही है जिदे तो एक लड़की के गले खड़े हैं हमारा फर्ज बने है कि गांव की बेटी ने यदि नॉमिनेशन भरया है वह बहू जो गांव में 5-7 साल पहला आई है उस बहू ने उस गांव की समस्या का कौन बेरा जो एक 23 साल गांव में एक बेटी जीण लाग रही है उन समस्या ने देखने लाग रही है उसने उन समस्याओं का पता है वो गांव तय बरवाड़ा तक स्कूल में भी गई है फिर बरवाड़ा तक फिर वो इसार तक भी कॉलेज में गई है फिर आगे वो तैयारी करने की खातिर दिल्ली में भी गई है अगर वो सुविधाएं गांव में होंगी मेरे ख्याल से आसपास तो हमारी जो बेटी है वो आसपास पढ़ हर रोज इनका भी जिक्र है घर आवा जावा तो इतनी दूर ना जाना पड़े इसी व्यवस्था गाँव में करवाने की शुरुआत लेकिन है मैं एक गांव की बेटी हूं तो मैं भी नहीं चाहूँ कि गांव में एक नया रिकॉर्ड बने और आसपास के गांव में जब बात आवे कि कौन सा गांव में छोरी सरपंच है तो हमारी बेबी रेनू का नाम आवे या खेदड़ गांव का नाम आवे और जड़े खेदड़ गांव का नाम आ जाएगा रिमन तोड़े खुश हो जाएगा अच्छा एक और टेढ़ा सवाल कर दूं है कर तो थोड़ा कड़वा सुन में आई थी रिमन भी चुनाव लड़ सके थी के बात लगी कड़िया के बात अड़ी चुनाव लड़ सका थे और बात ये नहीं है कि रिमन के आंट लगी बात ये है कि हम जिसकी गैल खड़े हैं वह रीढ़ मजबूत है और उस रीढ़ के गले हमारे गांव आगे जा सके है हम जो लोग हैं वो संगठन में यूनियन में काम करने वाले हैं तो फिर हमारे ऊपर एक टैग लग जाएगा कि पीछे किसान आंदोलन से पहले ही हालांकि चर्चाएं चली थी कि रिमन चुनाव सरपंच का चुनाव लड़ेगी किसान आंदोलन तो पहले चर्चा चली थी लेकिन मेरे यूं लग गया कि लोग यूं सोचने लग जाएंगे कि रिमन बार घूमे जाता है कि उसने राजनीति करनी है रिमन बार जावे जाता है संगठन में उसने सरपंच उठना था किसान आंदोलन में पार्टिसिपेट इसलिए गया कि सरपंच उठना था आगे गौशाला का धरना संभाला बारी लोग इसीलिए बुलाए कि रिमन ने सरपंच उठना था लेकिन मैं हमेशा ये कहूँ कि रिमन का राजनीति तो दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है जो हमने साफ छवि का लगेगा जो हमने अच्छा लगेगा और जो मुद्दे की लड़ाई लड़ेगा मारे गांव में आगे लेके जाओगा तो रिमन उसके साथ हमेशा खड़ी है बहुत बहुत धन्यवाद रिमन दे रहा था रिमन ने एक बहुत बड़ी बात कही भाई कि जो बहू अगर गांव की बहू है वह चुनाव लड़ा तो उसने के बेरा वो तो कि मैंने 2 साल आई नहीं हो 5 साल आई नहीं हो एक छोटी ही बेटी जब अपने घर पर जन्म लेके और वह पढ़े है गांव के स्कूल में जावे है फिर शहर में जावे है उसकी बसा की हर समस्या का उसने बिरा तो क्यों ना एक बेटी को जिसने पूरी समस्या का पता है उसे ना पे चुनाव लड़वा के और जितवा के गाँव का विकास कराऊँ और भी महिला हमारे साथ इनसे बातचीत करेंगे के नाम बताई के लग गए तो इसकी रेनू दादी लागो ਕਿਉਂਕਰ ਕੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਕਲ ਜੀਤ ਜੀ ਕੀ ਗਿਆ ਹਾਂ ਜੀ ਜਿਤਾਵਾਂਗੇ ਜਿਤਾਉਗੇ ਕਦੇ ਉਂ ਪਤਾ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਿਤਾਵਾਂਗੇ ਜਮਾ ਖੂਬ ਜਿਤਾਵਾਂਗੇ ਆ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਥਾ ਅੱਛਾ ਥਾ ਹਾਂ ਜਮਾ ਖੂਬ ਅੱਛਾ ਥਾ ਆਪ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਆ ਜੋ ਰੇਨੂ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨ ਲੈ ਰਹੀ ਉਸ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਕਹੋਗੇ ਪੜੀ ਲਿਖੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਜਮਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਪਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਆ ਵੀ ਐਸੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰੇਗੀ ਜਮਾ तो देखो मैं किसी का भी विचार आप ले आज सभी का यही कहना है वह पढ़ी लिखी गुड़िया हैं और अब की बारिश को जिता के गांव का विकास करवाने की एक नई पहल की जाओगी और देखते हैं कि जिस तरह 21 साल के गुड़िया जींद डिस्ट्रिक्ट के अंदर पिल्लू खेड़ा साइड एक बूढ़ा खेड़ा गांव है वहां पर जो गुड़िया 21 साल की जो सरपंच बनी है उसी को देखते हुए अब आप देखा तो ज़्यादातर जो चुनाव लड़ने लग रहे हैं वो युवा लड़ने लग रहे हैं उसके साथ साथ बेटियां भी अब चुनाव में भाग लेने लग रही है तो ये बहुत एक अच्छी बात है और आज की जो वीडियो थी आप इस सभी वीडियो पूरी वीडियो को देख कर अपनी कमेंट जरूर दियो और अगली वीडियो तक दो मेरे को इजाज़त फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ आपका अपना संदीप हरियाणा जय भारत जय हिंद।